ये लीजिए, हमारी मटका कुल्फी बनकर के तैयार है और इसको बनाने में मुझे ज़्यादा टाइम भी नहीं लगा। एकदम क्रीमी टेक्सचर वाली, टेस्टी और मुँह में घुल जाने वाली ये मटका कुल्फी आप घर में ही बहुत आसान तरीके से बना सकते हैं और यकीन मानिए ये बाज़ार से कहीं ज़्यादा टेस्टी होती है। आप एक बार घर में बनाएंगे तो बाज़ार की खाना भूल जाएंगे। उसके लिए मैंने लिए हैं लगभग 2 चम्मच बादाम, उतने ही लगभग हमें काजू लेने हैं जितने हमने बादाम लिए हैं। ये 2 चम्मच काजू हैं और उतना ही मैंने पिस्ता लिया है, लगभग 2 चम्मच पिस्ता। इसके अलावा आप 3 या 4 हरी इलायची और थोड़ी सी केसर ले लें। केसर की लगभग 4 से 5 स्ट्रैंड्स आप इसमें डाल दें। अब एक ग्राइंडिंग जार में बादाम, काजू, पिस्ता और लगभग 4 से 5 हरी इलायची डाल करके और इसके साथ में हमें थोड़ा सा केसर डालकर इसको ग्राइंड करना है। ये देखिए, मैंने इसको बहुत ज़्यादा पाउडर नहीं बनाया है बल्कि मोटा मोटा से इसको ग्राइंड कर लिया है। अब एक बाउल में हमें क्रीम लेनी है। लगभग मैंने 400 ml मैंने लो फैट क्रीम ली है। इस क्रीम को अच्छी तरह से व्हिप कर लेंगे। लगभग 5 मिनट्स तक मैंने इसको धीरे धीरे व्हिप किया है। बहुत ज़्यादा नहीं करना, नहीं तो इसमें से घी निकल आएगा। बस थोड़ा सा गाढ़ा इसका टेक्सचर हो जाए, इतना ही हमें इसको व्हिप करना है। अब इसमें डालेंगे पाउडर शुगर। शुगर को मैंने मिक्सी में पीस लिया था और उसका पाउडर बना करके मैं इसमें डाल रही हूँ। लगभग 5 टेबल स्पून मैंने इसमें पाउडर शुगर डाला है। इसके साथ में लगभग 1/2 कटोरी मिल्क पाउडर भी डाला है। अब इसमें ड्राई फ्रूट्स मिक्सचर ऐड करेंगे। 2 चम्मच केसर का दूध इसमें ऐड करेंगे। ये मैंने अलग से 2 चम्मच दूध में थोड़ा सा केसर डाल करके उसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया था, इससे थोड़ा कलर इसका अच्छा आ जाता है। ये देखिए, जैसे जैसे केसर अपना कलर छोड़ता है, कलर चेंज होना शुरू हो जाता है। अब हम इनको ये छोटे छोटे मटकों में भर करके और रख लेंगे। अगर आपके पास इस तरह की मटकी नहीं है तो आप किसी कटोरी में भी इसको भर के रख सकते हैं। ये देखिए, इस तरह से एक एक किशमिश मैंने इसमें डाली है। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहते हैं तो डालें, नहीं तो स्किप कर सकते हैं। थोड़ा सा पिस्ता ऊपर से मैंने इसमें डाला है और कुछ केसर की स्ट्रैंड्स मैंने इसमें डाली है। ये देखिए, बस अब आप इनको फॉइल पेपर लेकर के इन मटकियों को कवर करके अच्छी तरह से, देखिए इस तरह से इनको कवर करके हम फ्रीज़र में रख देंगे। यहाँ मैंने सभी मटकियों को फॉइल पेपर से अच्छी तरह से कवर कर दिया है। तीनों मटकियों को मैंने अच्छी तरह से फॉइल पेपर से कवर करके और अब हम इसको रबर बैंड लगा देंगे। अब लगभग 6 से 8 घंटे तक हम इसको फ्रीजर में रखेंगे। 8 घंटे हो गए हैं, अब लीजिए तैयार है ये मटका कुल्फी सर्व करने के लिए। तो आइए हम इसको सर्व करते हैं। ये कुल्फी आप अपने घर पर बना करके एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। बहुत ही टेस्टी होती है, क्रीमी होती है। इसको खाने के बाद आप मार्केट की कुल्फी खाना भूल जाएंगे और बार बार अपने घर में ही बनाएंगे। इतना अच्छा टेक्सचर इसका आता है और केसर और ड्राई फ्रूट्स का फ्लेवर भी अलग ही होता है। तो एक बार इसको अपने घर में बना करके ज़रूर से ट्राई करिए और मुझे बताइएगा कि आपको ये कुल्फ़ी कैसी लगी। तो नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ आपसे मिलते हैं। तब तक बाय।